एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। आवाज़ आनी चाहिए और आवाज़ में बड़ा दुखी कर रहा है, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है ना तो प्लीज मुझे बताओ कि हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अभी सामने ना बिल्कुल दरिया बन जाए, लेफ्ट में राजघाट, शांतिवन में कौन था, शांतिवन में भी समाधि किसी की कांग्रेस का परिभाषा उसी की समाधि है। राइट में है आईजीटी और सीधा फिर से दरियागंज, तो अपने को सीधा जाना है, सीधा जाके अपन लेफ्ट लेके फिर राइट लेंगे, जाना मुझे जिसके बस पीछे देंगे। वो दिख रहा सामने आपको लाल इमारत, तो मैं जाए मुझे और यार यहाँ पे आते जो खुशबू मेरी नाकों में चढ़ती है, चिकन मटन ये सारा मोहम्मदन इलाका है और यार यहाँ का खाना सुभान अल्लाह, दीवाना भाई मैं यहाँ के खाना का। ये ना मेरे राइटिंग में देखो गेट नंबर वन इधर सामने गली जा रही है, इस गली में आप आगे जाओगे तो करीम्स है, ठीक है ना, बहुत लोगों ने करीम्स का नाम सुना होगा, तो आपको कहीं पे नहीं जाना, इस गली में तो चढ़ाऊंगा आपको 200-300 मीटर आगे बढ़ना है, तो आगे जाओगे तो चार मंजिला इमारत आएगी असलम के नाम से, असलम चिकन कॉर्नर। ट्रस्ट मी पीपल, इफ एनीवन फ्रॉम दिल्ली ही हैज नॉट टेस्टेड येट द चिकन ऑफ असलम, सिर्फ एक बार मेरे कहने से आके देखो, दिल में खुश हो जाए तो मेरे चैनल में भर भर एक गाली लिख देना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपको, इतना बढ़िया मैं मतलब दीवाना हो जाता है यार। शाम को ये दुकान खुलती है 5-6 बजे है, रात को 2-3 बजे तक चलती है दुकानें वाली, और मैं स्पेशली गाजियाबाद से उठ के स्पेशली ये खाने आता हूँ, गाजियाबाद यहाँ पे अराउंड 25-30 किलोमीटर है, मैं स्पेशली ये खाने आता हूँ, मतलब मैं इतना कायल हूँ चीज़ का। तो एनीवन हु इज नॉट येट टेस्टेड द चिकन, अब अपन लोग एंटर कर रहे चारों रात बस, ये चारों वाला इलाका पुरानी दिल्ली, पहला तो थोपड़ा लगा पुरानी दिल्ली का, देख लो भाई पुरानी दिल्ली। यार ऐसा है कि आ गया बहुत जाम, ठीक है ना, और यह बहुत पतली सी गली जो मेरे अड्डे तक पहुंचती है, तो मैं उसी अड्डे से निकल रहा हूँ। अब आ कहाँ गए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, बजाज सीताराम हॉस का जी, अरे वाह सही जगह है गलती से सही आ गया, ये है सीताराम बाजार, और अभी मेरे खाते में पहले कहाँ रह रहा था मेरा पुराना घर, बहुत मैंने एक वीडियो बनाई थी ओल्ड लेडी फूड्स के नाम से, जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, वो वीडियो मैं दिखाया था अपना घर, नहीं हमने घर की गली दिखाई थी जहाँ पे मैं रहता था। इसकी सुबह सुबह हलवे में भाई खा लेता हूँ हम लोग, मैं दादाजी सुबह सुबह सर्दी का जब हम यहाँ पे रहते थे तो सुबह सुबह भाई हलवा नगौरी खाने को मिलती थी, आई थिंक हर संडे ब्रिंग दिस हलवा नगौरी, नगौरी ना गोलगप्पे टाइप होता है, हलवे के साथ मिलता है, और दौलती चाट बोले तो फोम होता है और दूध का, उसमें खोया डाल के ड्राई फ्रूट डाल के फिर उसे बनाया जाता है। कोशिश करता हूँ कि मैं दिखा के लाता हूँ क्या होती है, मैं घर के लिए मिल गया ना तब दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ओहो तो दिख रहे देखिए सर में ये है भैया आर्य समाज गली, जहाँ पे हमारा कभी निवास हुआ करता था, तो मेरी भी शॉप दिखाई थी मैंने पुरानी दिल्ली के नाम से। अब अभी पिताजी को फोन आया कि वहाँ से कचौड़ी लेकर आनी है, तो वही दिखा देता हूँ आपको, कचौड़ी की दुकान उसमें जा रहा हूँ, और एक शाम स्वीट्स है चांदी चौक में, एक उसकी दुकान, दोनों दिखा देता हूँ। तो ये है दुकान अंकल जी, एक किलो पिट्ठी वाली कचौड़ी कितने देने, सब्जी के साथ ही दे दो या बिना सब्जी दे दो। अब ले ली कचौरी, अब वो चलते हैं दौलत की चाट लेने, ठीक है, और वो दिखाता हूँ दौलत की चाट, जिसका मैंने हमेशा विवरण करा है बट कभी दिखाई नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने गजक ली है, खोए की गजक, मैं ये जो दौलत की चाट है ना ये स्पेशली आती ही सर्दियों के टाइम पे है, इसके अलावा नहीं आती। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सोच के भी नहीं आया था कि आपको इतना कुछ दिखा भी पाऊंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना सोचा नहीं था, बट फोन आया रेड का, चाहिए घर पे लेकर आओ, देना भी है, वो
वे घर वाले ऐसे ना कि मंगवाते हैं बांट भी देते हैं, तो बोलते कि देना भी है लोगों को, दे देंगे ले आओ। तो हम लोग ले जाते हैं ऐसे लोगों को, मतलब लोगों को बांटने का मतलब रिश्तेदारी को देते हैं यार, बाकी किसी किसी को नहीं बांटते। ये है सामने दुकान उसकी, दिखाता हूँ आपको दुकान। भाई अंकल जी कहाँ हैं, अंकल जी कहाँ हैं, कैसे दिए डब्बा बताना है पूरा डब्बा। ये कितने का पड़ेगा? अरे पड़ेगा कितने का? पढ़ने वाला काम ही नहीं हुआ। कितने का पड़ेगा? कितने देने पड़ेंगे? कितने देने पड़ेंगे इसके? वो अड़िया बैठिया यार, चल दे। देख रहे हो आप लोग, ये मैं शूट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाई देखो भाई, YouTube तो मैंने अब बोला है ना भाई, फ्री में नहीं लेना ना भाई। फिर हाँ नहीं नहीं मुझे चाहिए भी नहीं ना भाई, वो मैंने इसलिए पूछा कि कई लोग ऑब्जेक्शन ना करें कि भाई शूटिंग कर रहे हो हमसे बिना पूछे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये दूध के झाग होते हैं, दूध और क्रीम के झाग होते हैं, और ये आते हैं सर्दियों में ही है। ये 12 महीने बन जाएगी, लेकिन ये ऑर्डर के हिसाब से बनेगी ज्यादा। ओके, मेरे जनरली अगर लोगों को लेने हो सर्दियों में ही, नवरात्रों से लेके होली तक, तो देख रहे हो ना लोगों क्या डाल रहे हो, ये पिस्ता शक्ल। अच्छा अब जैसे सर्दी हो रही है तो कब तक खराब नहीं होगी? अभी ये जैसे तैयार हो रही है, हाँ फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन। हाँ आ जाएंगे तो 5 दिन। अब जो जैसे स्कूटी में रखूंगा मैं, स्कूटी में नहीं आगे लटका होगा, आगे लटकानी पड़ेगी। कितनी देर तक चल जाएगी? 5-6 घंटे चलेगी। 5-6 घंटे ना, हाँ ठीक है। नहीं, गर्म सामान खाने का नहीं है तो 5-6 घंटे चल जाएगी। ठीक है, फ्रिज में रखोगे तो कल ठीक है। ठीक है समझ गए लोगों, फ्रिज में रखना तो 2-3 दिन और बाहर रखोगे तो 5-6 घंटे। हाँ जी, तो जो आपने देखी ना वो थी दौलत की चाट, समझे बॉस? यार ये दौलत की चाट बड़ी ही नाजुक चीज है, बड़ी सेक्सी चीज है यार, मतलब मजा आ जाता है यार खा के दौलत की चाट। लेकिन एक फायदा हुआ, एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया। या अल्लाह, एक ही जान है, या तो अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। भाई मुझे ना डर है कि लोगों को मैं पूरा दिखा भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वीडियो मेरी बैटरी मेरी एंड होने वाली है। आप लोगों को लगा साला फंबल क्यों मार रहा है? मैं फंबल नहीं मार रहा यार, मैं इतनी स्पीड में बोलता हूँ कि जान के, मतलब मैं एक्चुअली जो मेरी नॉर्मल लाइफ में टॉकिंग का तरीका है बहुत तेज है, बहुत स्पीड में बोलता हूँ मैं, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरे को आया कि यार आराम से बोला मैं समझ में नहीं आता, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं बहुत आराम से बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, तो मेरा दिमाग आगे चल रहा था, दिमाग मेरी पीछे चल रही होती है, तो वर्ड्स मिस हो जाते। ये हौस का जीप है छोले कुलचे वाला है सीतर मजा की रोड के एंड पे। भाई साहब इसे एक बार बोलना, बस मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बार बोलना कि भैया तेल मसाले का बना दे, रोंगटे खड़े कर देगा तुम्हारे, मैं सच बता रहा हूँ रोंगटे, तुम लोग खा नहीं पाओगे कुलचे से ज्यादा। तो अगर जो है ना जो पागल है मसाले के पीछे, वो तो ये स्टंट कर ले, तो ये एक्चुअली में स्टंट है। और अगर किसी को नहीं मतलब नॉर्मल मसाला खाना है, जो पुरानी दिल्ली का भी देखो यार, जो तुम लोगों का नॉर्मल मसाला है ना वो पुरानी दिल्ली वाले सबसे फीका है, तो अगर आप इनसे नॉर्मल लोगे तब जाके वो आपका हाई में आएगा, तो आप हल्का ही बोलना। लेकिन अगर जो स्टंट बाज है लोग जो कहते हैं नहीं भैया हम खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, हम तेज मसाला खाएंगे मुंह जला लेंगे अपना, तो करना, क्योंकि यार देखो यार मैं बहुत तेज मसाला खाता हूँ, स्टिल मेरे पुख्ते हो गए, मेरे इतना तेज मसाला उसने बना के दिया था, मतलब यह हाल हो गया था कि भाई हर उसके बाद हमें रायते किया रहा था योगर्ट, उसकी हमें सिप लेनी पड़ रही थी, उतना बुरा हाल हो गया था। तो हाईली रिकमेंडेबल टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग कि ये सारे सेंट जो जितने भी सुपर सेंट है वो एक्सपर्ट की सुपरविजन में करे गए हैं, तो आप अगर कुछ भी करते हैं, कुछ भी खतरा तर मोल लेते हैं तेल मसाला खाने का, तो अपने जान पे खुद जोखिम करके लें, और मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में बोल रहा हूँ, बहुत तेज मसाला होता है भाई, बढ़ के हाथ में आ जाती है। अब अपन चल रहे हैं शाम स्वीट्स वाले पे, मुझे जो भी काम था पर्सनल काम वो समहाउ ड्यू टू सम रीजन वो भी थोड़ा डिले हो गया, डिले भी सर हो गया यार, वो उसमें भी वो रेडी नहीं था प्रोडक्ट, तो दे आर गोइंग टू गिव मी
नाव रेडी करके रखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ शाम स्वीट्स पे। और हुक्म है माँ बाप का कि वहाँ से भी इसकी इसकी है ना सर्दियों में मटर की कचौरी बहुत फेमस है यार, बहुत ज़्यादा फेमस है इसकी मटर की कचौरी। तो माँ बाप को हुक्म आया है कि आधा किलो कचौरी लेकर आनी है, तो अपन वही चले जा रहे हैं यार। कोई यार होता क्या यार, रो रो तो आता हूँ, पता नहीं चन्नी चौक। तो सोचा अब आए हैं तो एक बार में लेते हुए चले। काफ़ी लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा, काफ़ी लोग कहेंगे बहन चौद मत कर मत दिखा, बट क्या करें यार, मेरा काम ही ये दिखाना है यार। और वो ये आ गया फिर से वही चौक जिसे हम वापस गए थे, नई सड़क वाला इंडस्ट्री पूरी नई सड़क है और जाम लगना शुरू हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी जाते हुए बहुत गंदी वाली फटने वाली है। राइड में है शाम स्वीट्स, शाम स्वीट्स। हाँ जी अंकल, आधा किलो मटर की कचौरी कितने? इन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी दुकान पे कोई भी है शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। यस यू हर्ड मी राइट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ चुके हैं इनके खाने पे दुकान पे। ये भाई ये है ना चोर बाजार है, ये वो चोर बाजार नहीं है, ये ऑटोमोटिव मार्केट है, मोबाइल इंडस्ट्री का ये चोर बाजार है जामा मस्जिद के सामने, ऐसे लोग कहते हैं, मोस्ट ऑफ सच है। और ये बेचारे फॉरनर्स अपने देश की सफाई से निकल के हमारे देश की छोटी छोटी सड़कों पर बड़ी गंदगियां देखने आए हैं। वाव गोट्स, वाव काउज, वाव गोबर, वाव इनके लिए भी नहीं थी, इन्होंने भी कभी नहीं देखी यार। Let me tell you one more thing. This vlog is not at all sponsored by any of the shop जो आज मैंने विजिट करी है। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जो देख रहे हैं ना वीडियो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या खुशबू आ रही है। भैनचोद लैंड क्रूजर पराडो, मैं सच बोलूं दिल से एक बात, मेरे पास एक वैगनर और एक होंडा सिटी है, ठीक है। मैं होंडा सिटी को यहाँ पे लाने की, अबे ठीक है तेरे पे, ठीक है तेरे पे पराठ है, शोर मत बचा। तो गाइस मेरे पास एक होंडा सिटी और मेरे पास वैगनर है, और सच बोलूं दिल पे हाथ रख के मैं अपनी होंडा सिटी यहाँ पे लाने की सोचू भी ना, मतलब सोच भी नहीं सकता मैं। एक तो यार गाड़ी नहीं, और ऊपर से ऐसी गलियों में गाड़ी नहीं तो नहीं, 3 साल तो हो गए इसको, बट स्टिल। और ये बंदा पराठो लेकर आ रहा है यार, सलाम है बंदे को। गाड़ी घड़ी हो तो राडो हो, गाड़ी हो तो पराठो हो, सीरियल हो ना आना इस देश लाडो हो। चलो बुलावा, देखो जाम हो गया है, कहीं ना कहीं जाम का पात्र मैं भी हूँ, मेरे चक्कर में भी जाम हो रहा है। बट मैं टू व्हीलर है तो मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन कम पड़ेंगी। भाई देखो यहाँ पे है ना, साफ कहना सुखी रहना, यहाँ पे भाई ऐसे चलता है मामला। मुझे राइट मिलना है यहाँ से, इस आम में सीधे जा रहा है। अरे रे 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 एकदम से लाल बच्ची बंदी, मतलब राइट वालों की। अच्छा मैं उल्टी जाऊँ, सीधा जाओगे और सीधे लेफ्ट है आपका चांदनी चौक, और राइट हैंड साइड में जो पूरा पीछे है ये पूरा है आपका लाल किला, उसके पीछे कश्मीरी गेट जहाँ पे इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT, जहाँ पे सारी स्टेट्स की बस आके रुकती है, हिंदी में जैसे बस अड्डा कहा जाता है। जी हाँ देखो सजना, बड़ा ही सुप्रसिद्ध बस अड्डा ISBT कश्मीरी बस अड्डा सामने है, ये सारी बसें वहीं से आ रही जा रही है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद, आशा करते हैं आपकी आगे की वीडियो का सफर खुशमय और आनंदमय हो।